मैं आज अक्षय कुमार जी और शाह साहब सोनाली जी उपाध्याय जी, मैं खुद इनके पास आया और जब मूवी मैंने देखी तो शायद बम्बों और गोलियों से मैं कभी आंखों में मेरे आंसू नहीं आए। मेरे शरीर में पूरा लोहा भरा हुआ है, लोहे की प्लेट से, मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आए, दर्द से कभी आंसू नहीं आए। पर उस दिन जो अक्षय कुमार जी का, सोनाली जी का जो रोल देखा, जो सबने मेहनत की, मैं अपने आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाया। मुझे कम से कम जिंदगी के 35 साल हो गए टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए, बम गोलियां बुलेट हॉस्पिटल ऑपरेशन, पर मैंने जो ये देखा कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बन सकता था, होम मिनिस्टर भी बन सकता, मैं सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं, जो अक्षय कुमार जी का एक रोल रहा कि शायद मैं एक फौज से जब वापस आऊंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, जैसे उन्होंने बॉम्बे के 26/11 के शहीदों का, करकरे जी का, सबका जो जिक्र किया, कि जरूरी नहीं है कि हम फौज में जिम्मेदारी पे हैं तो तभी हमें जिम्मेदारी को निभानी, अगर हम छुट्टी पे हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाना है। मूवी की तो पहल की, हमारी जिंदगी गुजर गई लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए। हम जाते फिर वापस मुड़ के आ जाते, फिर वहीं का वहीं खड़ा हो जाता, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट को लेक्चर देते, उसमें 20 तैयार होते, फिर वापस आ जाते। पर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, इतने बड़े देश में हर जगह पे जाना। पर एक ऐसी मूवी हॉलीडे, वो हर स्टूडेंट तक जाए, हर पब्लिक तक जाए, हर फौज के जवान तक जाए, हर CRPF CISF के जवान तक जाए, हर पुलिस तक जाए कि मेरा काम है, अगर मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, मेरा काम है भारत माता की आज़ादी की रक्षा करना। या पूरे दुनिया के अंदर जो ग्लोबल टेररिज्म है, हर व्यक्ति ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाल होगी, छोटे से लेके बड़े तक इस मूवी को देखे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी आप मेहनत करके इस मूवी के लिए आप और पब्लिसिटी कर सकते हैं, वक्त थोड़ा है, उसको करें। ये कोई मूवी बहुत बनती हैं, उसमें पैसा कमाया जाता है, पर कई मूवी ऐसी होती हैं जैसे हॉलीडे है, जिसमें जिनका एक मकसद होता है कि हमारा मकसद देश है, हमारा मकसद है लोगों के अंदर, यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट के अंदर, स्कूल के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना। और मैं ये समझूंगा कि इस मूवी को देख करके जरूर एक नई जागृति, नई अवेयरनेस पैदा होगी। आज ही मैं सुबह एयरपोर्ट में मैं न्यूज़ सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी की, जरूर कहूँगा कि ऐसी मूवी बार बार बने, ऐसी मूवी बार बार आए। आंदोलन बहुत होते, बड़े लोगों ने आंदोलन किए, आंदोलन किसके लिए? अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, कोई मंगिहाई के लिए हुआ, कोई टैक्स के लिए हुआ। पर जो लोग शहीद हो जाते हैं, जब टेररिज्म के खिलाफ हमारे इतने जवान शहीद हो जाते हैं, क्या कभी आंदोलन कोई सड़कों पे आया आज तक? नहीं, बिल्कुल सड़कों पे नहीं आया। पर वो हॉलीडे जो पिक्चर है, ये एक आंदोलन के रूप में सड़कों पे आई है, घर घर में पहुंचाने का काम किया है इन्होंने। उसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं कि घर में बैठी हुई वो मेरी बहनें, जिनके सुहाग उजड़ गए, जिन्होंने गोली बम खाते हुए शरीर के ऊपर अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया, आज उनके बच्चे, आज उनकी पत्नियां जब ये मूवी को देखेंगी तो उनकी आंखों में आंसू जरूर होंगे कि आज अक्षय कुमार जी, आज सोनाली जी, आज उपाध्याय जी, आज शाह साहब, जिन्होंने एक बड़ी मेहनत का काम किया है, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।